Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. ये हमने आटा चावल के लिए लिया है बॉक्स। इसमें आटा चावल के ड्रम और भी कुछ रख सकते हैं, मगर यही पर्पज है इसका कि इसमें आटा चावल के ड्रम ही रखे जाएंगे। बाकी और भी सामान रखे जा सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलर किचन में आटा चावल के लिए दिया जाता है ना। और ये है थाली की बास्केट, जिसमें आप प्लेट रख सकते हैं, थाली रख सकते हैं। इसको थाली वाली बास्केट बोलते हैं। और अब आ जाते हैं, ये है प्लेन 8 इंच की प्लेन बास्केट, जिसमें बड़ा बर्तन कोई भी या कोई भी सामान रख सकते हैं। इसका पर्पस यही है कि थाली के ऊपर बड़ा बर्तन। और ये है कटलरी, जिसमें चम्मच वम्मच रखे जाते हैं तेल वगैरह के। और ये है हाफ प्लेट की, इसमें हाफ में प्लेट और हाफ में कोई भी सामान रखा जा सकता है। ये हाफ प्लेट वाली बास्केट है। और इसके नीचे जो दी है हमने, वो एक 8 इंच की प्लेन दी है कुकर वगैरह के लिए। और अभी इधर हमने ये ले लिया है कॉर्नर। इस कॉर्नर में हमने सिलेंडर का एडजस्टमेंट किया है। सिलेंडर के अलावा और भी इसमें और भी कुछ रख सकते हैं, मगर फिलहाल इसमें सिलेंडर रखने के लिए ही हमने इसको एडजस्टमेंट किया है। बाकी इसमें काफ़ी जगह है, और भी सामान रखा जा सकता है सिलेंडर के अलावा भी, बहुत काफ़ी जगह है इसमें। अभी हमने 2 बास्केट इधर ले ली हैं, प्लेन है दोनों की दोनों, प्लेन 8 इंच की है। जैसे भगोने वगैरह भी रहते हैं ना, तो उसके लिए हमने ये ले लिया। अब हमने इधर ले लिया है ये सिंक में, ये सिंक का है। 2 पल्ले दे दिए हैं इसमें। डस्टबिन अभी रख सकते हैं जब मर्जी चाहो, अभी इसमें फ़िलहाल डस्टबिन लगाया नहीं है, डस्टबिन बाद में लगेगा इसमें। और ये इधर आ जाते हैं, तो हमने ले लिया है आरओ। ये आरओ लगा दिया है इसमें, 2 पल्ले जोड़ी के कर दिए हैं पैटर्न में। और इधर क्रॉस में हमने ये पैटर्न ले लिया है, वाइट पिंक, पिंक वाइट का। और ये हमने 8 एकड़ के लगाए हैं पल्ले, जो मतलब खड़े नहीं लगाए हैं, इसको हमने लंबे करके पल्ले लगाए हैं, तो थोड़ा ये यूनिक लगता है, थोड़ा अच्छा सा लगता है, इस वजह से हमने इसको सीधे कर दिए हैं। और ये हमारी चिमनी है, ये चालू है, इसको बंद कर देते हैं। आगे आ जाइए, ये हमने ये एक रैक बनाई है, इसमें भी पैटर्न में हमने सरमाइका लगाई है पिंक वाइट करके। सारे पल्ले हमने इसके पैटर्न में लिए हैं पिंक वाइट करके, प्लेन ही है इसमें कोई।